Good morning, students. So in our last chapter we have started light and we have discussed some points which are the nature of light, how light travels, what is the speed of light, 3×10⁸ meter per second, and all those small terms which are very important for this chapter we have discussed in last lecture. And the last topic we have discussed is electromagnetic radiation spectrum, where we have seen that sun have a family of 7 type of radiation, where visible ray are responsible for the all the objects which are around us. We can see them with the help of visible light, visible ray or visible. And these visible rays consist of 7 colors. ठीक है, last lecture में यही discuss हुआ था कि जो ये visible ray है ये responsible होती है जो objects हमें अपने आस पास दिखते हैं इसी ray की वजह से हमें दिख पाते हैं. ठीक है, now today here we are going to discuss about the propagation of light. Next topic is propagation of light. Propagation means spreading of light. How many ways are there, how light can be spread in different. So first we should know what is ray. Okay, so the ray is simple, the straight line path along which light travels in a homogeneous medium, means when medium is not changing, the light, the nature of light will be straight path. The straight line path. Along which light travels. Light travels in a homogeneous medium. Homogeneous medium का बच्चों ये मतलब होता है कि for example light travel कर रही है एयर में, तो एयर एक मीडियम है, तो जब तक लाइट एयर में ट्रेवल करेगी, जब तक लाइट एयर में ट्रेवल करेगी, मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है यहाँ पे, ये ग्लास है और ये एयर है, तो जब तक लाइट एयर में ट्रेवल कर दिया तब तक स्ट्रेट पाथ होगा एयर का. लेकिन जैसी वो ये एक मीडियम है एयर, होमोजीनियस मीडियम मतलब सेम मीडियम, जब तक सेम मीडियम में लाइट है वो एक ही पाथ करेगी, लेकिन जैसी वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, यहाँ पे ग्लास क्या है, डिफरेंट मीडियम है, एयर डिफरेंट मीडियम है, ग्लास डिफरेंट मीडियम है, तो वो क्या कर देगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, वो बेंड हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अ मीडियम. तो रे क्या, अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजीनियस मीडियम. ठीक है, रे के बाद आता है एक और जिसे हम बोलते हैं बीम. ठीक है, बीम एंड रे में फर्क क्या है, बीम इज अ बंडल ऑफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बंडल, या बंच बोल सकते हैं, इट इज अ बंच ऑफ और बंडल ऑफ a bunch or bundle of rays is called beam. ठीक है, beam क्या होती है, the bunch and bundle of rays. तो ये भी types होते हैं, different types of beams होती है ना, तो यहां लिखेंगे types of first type. यहां पे हमारे पास है convergent. ये टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, कैसी बीम्स होती है, क्योंकि ये बीम्स लेंस एंड मिरर में हेल्पफुल होगी कि कन्वर्जेंट बीम किसे बोला जाता है और डाइवर्जेंट. तो स्टूडेंट कन्वर्जेंट नाम से पता चल रहा है, कन्वर्जेंट मतलब कोई भी चीज़
जब एक ही पॉइंट की तरफ जाए उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी एक ही पॉइंट की तरफ जाए उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट ना। वेनर और जितनी भी ये बीम है, बीम मतलब बंडल ऑफ रेस, जब वो मीट करेगी एक पॉइंट पे उसे हमने बोला कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, वेन द रेज मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास बीम क्या है, बीम है बंडल ऑफ रेज, मतलब बीम में बहुत सारी रेज होगी। मान लो ये रे वन है, ठीक है, और ये रे टू है, वैसे ही रे थ्री होगी, हाँ रे फोर, बंडल मतलब बहुत सारी। अब देखो डेफिनेशन है, व्हेन द रे मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट है कन्वर्जेंट, मैंने अभी भी बताया था कन्वर्जेंट मीन्स कि जो लाइट रे है वो एक ही पॉइंट पे क्या करे, मीट करे। तो ये सारी जो रेज है वो क्या करेगी, इस ओ पॉइंट पे क्या करेगी, अपीयर्स टू मीट और मीट्स एट अ वन पॉइंट टूवर्ड्स द पॉइंट। मतलब इसकी डायरेक्शन ये है रेज की, देखो रेज की मूविंग डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ को एरो है, और पॉइंट भी किस तरफ को है, इधर को। तो ये सारी रेज क्या कर रही है यहाँ पे, अब देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मीट करेगी ये सारी, ऐसे बना लो उसको। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बेटर है फॉर कन्वर्जेंट बीम। ठीक, सेकेंड है डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। दीज ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अपकमिंग एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स। डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से फैल जाना, जो हमारी रेज है वो क्या करेगी, मूव करेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखो यहाँ पे कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द पॉइंट जा रही है रेज, टूवर्ड्स द पॉइंट है ना, और डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा, गोज अवे फ्रॉम द, तो डाइवर्जेंट क्या है, रेज मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट व्हेन रे मीट और अपीयर्स टू मीट, टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रेज होगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगी। मान लो ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये क्या जा रही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ओ पॉइंट को, तो ये क्या है, अपीयर्स टू मीट कर रही है यहाँ पे। देखो ये क्या कर रही है, इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट डाइवर्ज हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या कर रही है, ये लाइट रेज फैल रही है इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से लाइट रेज क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। मतलब तो डाइवर्जिंग सिंपल क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, और कन्वर्जिंग क्या होता है, टूवर्ड्स द पॉइंट है ना। यहाँ देखो टूवर्ड्स द पॉइंट, तो रे पॉइंट की तरफ आएगी और डाइवर्जेंट में पॉइंट से दूर जाएगी जो हमारी रेज होगी। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज पैरेलल बीम्स। लास्ट टाइप क्या है, पैरेलल बीम, नाम से ही पता चल रहा है, वो लाइट रेज जो एक दूसरे से क्या होगी, पैरेलल उसमें ट्रेवल करेगी, पैरेलल पाथ में ट्रेवल करेगी।
तो ये हो गया पैरेलल बीम का एग्जांपल, है ना, ये वन रे टू रे, वैसे नंबर ऑफ रेज, है ना, जो एक दूसरे के क्या हो पैरेलल, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम्स। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या हुआ, डाइवर्जेंट क्या हुआ और पैरेलल क्या हुआ, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले भी कर चुके हैं, एट्थ क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे भी हम कुछ टर्म्स को इसकी एक्सप्लेन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एज वी नो दैट इट इज अ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट रे फॉल करती है, देखो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, जब भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में जाएगी, और आइज में क्या हो गए, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल्स, फ्रॉम विच विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर ऑल्सो, है ना। और रिस्पॉन्सिबल कौन सी रे है इसमें, विजिबल रे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक व्हाट, किसको सेंड कर रहा है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट रे विच फॉल, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डे टू डे लाइफ में जो मैक्सिमम हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एक एग्जांपल है, बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्लेन मिरर। जो भी हम शीशा देखते हैं, अपनी जो हम इमेज देखते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे अच्छी कौन कौन से ऑब्जेक्ट में होगी, वो ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड होंगे और जिनका सरफेस क्या होगा, शाइनी होगा, फॉर एग्जाम्पल भरा प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड क्लियरली। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हर एक ऑब्जेक्ट में हो रही है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हर एक ऑब्जेक्ट में है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड क्लियरली। क्लियरली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस में देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड, पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस, सरफेस विल रिफ्लेक्ट मोर लाइट, विल रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ठीक है। अब जो मिरर होता है, मिरर का बैक साइड हमेशा पॉलिश्ड होता है, और जो उसका सामने वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही शाइनी होता है, दैट्स व्हाई ऑल द लाइट रिफ्लेक्ट बैक, इसीलिए हमें जो अपनी इमेज होती है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। और देयर इज अ मेटल विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्वर इज द, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। रिमेंबर सिल्वर है वो गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, और सिल्वर ही क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होती है वो कौन से मेटल में होगी, सिल्वर मेटल में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें प्लेन मिरर को, यहाँ पे अगर प्लेन मिरर का एक, देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले अब यहाँ पे इमेज से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले प्लेन मिरर सिंपल क्या है, जो सुबह जो जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं वो सारे प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर की जो ये बैक साइड है, ये जो मैं ये यहाँ पे शेड कर रहा हूँ,
ये होती है पॉलिश्ड साइड, ये पॉलिश्ड साइड है ठीक है, और ये कैसा है शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस ठीक है। अब यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे कोई भी अगर खड़ा है तो उसको अपनी इमेज क्या दिखाई देगी, एक क्लियर इमेज दिखाई देगी बिहाइंड द मिरर ठीक है, एक क्लियर इमेज कहाँ दिखाई देगी बिहाइंड द मिरर। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कौन कौन से एंगल, कौन क्या डायग्राम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे डायग्राम में हम एक चीज़ समझेंगे। मान लो हमारे पास एक सरफेस है जो एक शाइनी सरफेस है ठीक है, ये एक शाइनी सरफेस है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो लेज़र की हेल्प से ये एक शाइनी सरफेस है ठीक है, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, इसकी अपर साइड ये सारी शाइनी है ठीक है, तो यहाँ पे ये शाइनी है, मैं इसको अभी मिटा के यहाँ पे हम सिंपल इसको रखेंगे, तो यहाँ पे समझ लेना कि ये कैसा एक शाइनी सरफेस है ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो शाइनी सरफेस। नाउ लेट द रे कमिंग फ्रॉम दिस साइड, चलो इसको थोड़ा आसान क्या करेंगे, थोड़ा कलर देते हैं इसको ठीक है। नाउ रे कमिंग फ्रॉम दिस साइड विल फॉल ऑन दिस सरफेस ठीक है, इस सरफेस पे रे क्या करेगी, फॉल करेगी, एंड एज अ रे फॉल्स ऑन इट, इट विल रिफ्लेक्ट टू दिस पाथ ठीक है, क्योंकि हमने ये कैसा है एक शाइनिंग सरफेस है, इसको हमने एक शाइनिंग सरफेस माना है, और इसकी बैक साइड क्या है पॉलिश्ड है, मतलब इसके पीछे वाली साइड पॉलिश्ड है, तो यहाँ पे जो रे आ रही है, यहाँ पे जो रे आई है ये होती है इंसिडेंट रे ठीक है, और ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के एक हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ठीक है, ये क्या है नॉर्मल रे। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है, लेट इज दिस एंगल इज थीटा, और एक एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच बनता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थीटा ठीक है, ये दोनों कैसे एंगल है थीटा एंगल। तो यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आई, और यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। चलो अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह से इंसिडेंट रे, अब इनके नाम देंगे, प्लेन मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये सब हम लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना के नेक्स्ट उसमें एक हम यहाँ पे डायग्राम बना के, और इसी के साथ में हम इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ प्लेन मिरर विथ दिस शेडेड पाथ विथ पॉलिश्ड पार्ट एंड ये वाला है शाइनिंग, सामने वाला कैसा है हमारे पास शाइनिंग पार्ट। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे बनाएंगे सबसे पहले, तो इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन द प्लेन मिरर लाइक दिस, इंसिडेंट होगी ठीक है, इंसिडेंट के बाद जैसी वो स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी बैक, रिफ्लेक्ट बैक, तो ये कौन सी होगी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा बिल्कुल बीच में कौन सी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल बनता है, रिमेंबर दिस थिंग ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा ठीक। ये हो गया हमारे पास एंगल थीटा, ये भी एंगल हो गया हमारे पास एंगल थीटा ठीक है। अब हम यहाँ पे अब टर्म्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो देखो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो रे जो इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पे, ठीक है, स्ट्राइक होने से पहली वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे, जो बाउंस हो रही है इस मिरर में स्ट्राइक होने के बाद जो बाउंस हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, ये जो मिरर है, ये मिरर है इस मिरर के बिल्कुल 90 डिग्री में परपेंडिकुलर में, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो, अगर मिरर देखो हमारे पास ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है तो इसका नॉर्मल क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का है ना। अगर मिरर ऐसा है तो देखो, मिरर मान लो हमने टिल्ट रखा है, ऐसे इंक्लाइंड डायरेक्शन में रखा है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, बिल्कुल ये सरफेस के 90 डिग्री पे, सरफेस के 90 डिग्री। अब देखो तुम मिरर ऐसे रख दो तो नॉर्मल किधर बनेगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे, है ना। ऐसे रख दो ऐसे बनेगा, ऐसे रख दो मिरर ऐसे रख दो तो 90 डिग्री में, तो सरफेस के 90 डिग्री में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये जो ब्लैक में है इसको हमने क्या माना, ये क्या है, नॉर्मल है। अब दिस दिस पॉइंट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे देखो मिरर में ये एक पॉइंट है जहां पे तीनों रेज लाई कर रही है, ओ पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ फर्स्ट हेडिंग है जो वो है, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब खुद चेक करो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इस थीटा को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला है। तो एंगल विच द, एंगल विच द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फॉर्म विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल, यहां देखो इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पे एंगल आई भी लिख सकते हैं, इसको एंगल आर लिखेंगे, तो ये हो गया एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करती है विद, किससे करेगी, नॉर्मल के साथ करेगा ये भी, विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगेन एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां देखो बेटा, ये देखो ये वाला एंगल, ये एंगल आर किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ, ये भी नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये भी नॉर्मल के साथ बना रहा है, किस पॉइंट में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के साथ क्या कर रहे हैं, ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इन्हीं दो चीज़ों से यहाँ पे हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा, पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो अगर यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ये थीटा, ये इसको थीटा वन मान लो, थीटा टू मान लो, तो यहाँ पे थीटा वन किसके इक्वल टू होगा, थीटा टू के। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मान लो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या हुआ पॉइंट ऑफ, ये ओ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, परपेंडिकुलर नॉर्मल बना, है ना। मान लो ये इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है 30 डिग्री का, तो एंगल आर भी कितने का बनेगा 30 डिग्री का। मान लो ये बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का बनेगा 60 डिग्री का। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कैसा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाए इन अ सेम प्लेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इंसिडेंट रे आ रही है इधर, रिफ्लेक्टेड रे भी कहा है इसी पॉइंट पे, और नॉर्मल कहा है, दे ऑल लाए इन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यही है। तो दो ही लॉ है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के, पहला पहला क्या है एंगल आई, दिस वन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड सेकेंड ऑल लाए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाए इन अ सेम। स्टूडेंट्स एज वी हैव डिस्कस द एंगल आर सेम, है ना, तो एंगल क्या होंगे सेम होंगे। मान लो ये है, फिर से देख लो, 35 डिग्री का इंसिडेंट है, ये एंगल आई है, तो एंगल आर कितने का होगा, ये भी 35 डिग्री का ही होगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ लाइट रे इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द, देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। अब मान लो यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, अब तुमने लाइट जो रे है, मान लो एक लेजर है, मान लो ये एक लेजर है, और तुमने लाइट रे की डायरेक्शन सीधी रखी बिल्कुल, देखो अगर चेक करो ये प्लेन के बिल्कुल कैसे है, परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल भी काम बनता है परपेंडिकुलर। तो लाइट रे जब इस एंगल से जाएगी 180 डिग्री पे जाएगी, तो 180 डिग्री पे ही वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉपरली बनाएं, तो इंसिडेंट इस लेजर से इंसिडेंट रे हो रही है इस तरफ को, ठीक है, तो ये होगी इंसिडेंट, कितने एंगल पे 180 डिग्री पे, है ना। अब देखो वापस कितने पे आएगी, वापस भी कहां से आएगी, इधर से वापस आएगी, ठीक है, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एट द 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द मिरर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो बेटा यहां पे इसको लिखने, इसको समझ लो, और यहां पर है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायग्राम से डिफरेंस पता चलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा वो अगर स्मूद है, वो अगर स्मूद है, तो जितनी भी इंसिडेंट रे इस सरफेस पे आएगी, देखो ये इंसिडेंट है, वो सारी इंसिडेंट रे क्या करेगी, एक इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एक इक्वल एंगल से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, इसको रेड कलर से बनाया जाएगा, तो ये इंसिडेंट है, देखो रेड वन इज इंसिडेंट, और जो व्हाइट वाली है वो रिफ्लेक्टेड है। तो अगर आप यहां पे देखें तो सारी एक सेम एंगल से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जहाँ पे सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस के होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, वो स्मूथ सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं रेगुलरली। अब यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो मिरर हो गया, यहाँ पे देखो मिरर में हमें अपनी शक्ल साफ दिखाई देती है। यहाँ पे मान लो प्लास्टिक है, जितने और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करते हैं. फॉर एग्जांपल यहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहां से लाइट रे आएगी, ये इंसिडेंट होगी और वो क्या करेगी, एक डिफरेंट एंगल, यहां से लाइट रे आई, यहां से लाइट रे आई, ठीक है. तो ये कैसा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये एक एग्जांपल है. अदर ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हम बाकी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कैसे है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है. तो यहां पे देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखती है, प्रॉपरली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे बनी है. और ये डिफ्यूज में क्या होता है, इंसिडेंट तो होती है लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो डिफरेंट पाथ को क्या करते हैं, अचीव करते हैं. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन ऑफ रेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट पाथ. तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑफ देम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डिफ्यूज में हमारी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है. फॉर टुडे दिस इज इनफ, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन अ मिरर.